नमस्ते छात्रों, आज हम ऐसे विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो विषय हमारे किताबों में तो नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो विषय है सामान्य ज्ञान। इसी सामान्य ज्ञान पर आधारित हमारे लिए पाठ है क्या तुम जानते हो। अब जानना मतलब हर चीज़ को समझना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, इसका मतलब होते है जानना। तो बहुत से ऐसी चीज़ें विश्व में हैं जो हम नहीं जानते और इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य ज्ञान में वही बातें होती है जो विश्व में कुछ खास बातें होती है, वही बातें सामान्य ज्ञान में हमें पढ़ाई जाती है। अब सामान्य ज्ञान के बारे में जब हम सोचने लगेंगे तो आप पूरे विश्व की किसी भी घटक की जानकारी उसमें होती है, उस घटक की कुछ विशेषताएँ, कुछ खास बातें हमें सामान्य ज्ञान से पता चलती है। जैसे कि विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, पक्षी कौन सा है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे, हमारे आजू बाजू में जितनी भी सब चीज़ें हैं वो इस विषय में होती है। अब ये सामान्य ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? सामान्य ज्ञान से हमें यह हमारे अभ्यास में तो होता ही है, अभ्यास में भी ये कुछ कुछ बातें इसमें आती है, लेकिन यह विषय हमें इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आप किसी भी प्रतियोगिता में परीक्षा देने जाएंगे, तो उस परीक्षा में आपको ये सामान्य ज्ञान का विषय ज़रूर आता है और सामान्य ज्ञान के बारे में प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। अब इस सवालों के जवाब अगर आप दे पाएँ तो आप अच्छे गुण पाएंगे, अच्छे गुण पाएंगे तो आपके लिए उस परीक्षा को अच्छे नंबर पाने की वजह से आपको उस परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। तो ये कौन सी परीक्षाएँ होती है? हर नौकरी पाने के लिए ऐसी परीक्षाएं होती है, जैसे कि UPSC के एग्ज़ाम, इसमें भी सामान्य ज्ञान है, MPSC के एग्ज़ाम, इसमें भी सामान्य ज्ञान है, बैंक के एग्ज़ाम, बहुत से जो नौकरियां मिलती है और उनके लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें यह विषय ज़रूर आता है। अब यह सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है? विश्व की जानकारी पूछी जाती है, देश की जानकारी पूछी जाती है, हमारे आजू बाजू के माहौल की जानकारी पूछी जाती है। जिस प्रकार से परीक्षा का स्तर होगा उसी प्रकार से आपको ये जानकारी पूछी जाएगी। तो इस पाठ के माध्यम से आपको सामान्य ज्ञान के बारे में आपकी उत्सुकता बढ़े, आप इस विषय बारे में रोचक तरीके से पढ़े, इसके लिए ये पाठ हमको दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ क्या तुम जानते हो। धन्यवाद।